नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको यूपीपीएससी यूपीएससी और RO AR O जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो वीडियो को बिना रुके अंत तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऐतिहासिक परिदृश्य वो होता है जैसे कि एक पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल का इतिहास पे एक नज़र डालते हैं। तो क्या, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यधिक प्राचीन काल में था, जब मराठों के उत्कर्ष के साथ में उत्तर प्रदेश में इतिहास का नया युग का आरंभ हुआ था। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के नाम से प्रदेश था। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो प्रसिद्ध था। अब अगर ऐतिहासिक स्रोत के बारे में एक नज़र डालें कि ऐतिहासिक स्रोत क्या थे उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल के, तो पहला हमारा जो दिखता है वो जौनपुर का सलोड़ू का शिलालेख था, और मथुरा के पथवार और कनिहारा का शिलालेख था। हस्तिनापुर में सोनूपुर की गुफा का शिलालेख का प्रमुख पाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में, कि प्राचीन काल में जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे पुराने तरीके से, तो ये उन्हीं को शिलालेख कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम लोग एक नज़र डालते हैं तो क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का अभी तक कोई लिखित विवरण बहुत ज़्यादा नहीं पाया गया है, इसलिए इस काल को हम लोग को पाषाण काल से भी कहा जाता है। पाषाण काल को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया है, जैसे कि पहला हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल होता क्या है, चलिए देखते हैं कि पूरा पाषाण काल एक बहुत ही सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल सभ्यता के जो है वो बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, जो प्रयागराज सिंगरौली घाटी जो सोनभद्र में पड़ता है एवं चकिया जो चंदौली में पड़ता है। प्रार्थना काल के लोगों को आग पूरा पाषाण काल के लोगों को आग, कृषि कार्य या गृह कार्य आदि का ज्ञान नहीं हुआ करता था। जो पूरा पाषाण काल थे तो उस काल के लोगों को आग और कृषि कार्य गृह कार्य का आदि का ज्ञान नहीं था, परंतु तो थोड़ा बहुत पशुपालन का उनको जानकारी थी, उससे परिचित थे कि पशुपालन क्या होता है। जैसे कि इसमें देखें पूरा पाषाण काल कहाँ पे नक्शे में दिखाया गया है कि गोदावरी, नासिक, ताप्ती नदी एकदम जस्ट उसके पास में पूरा पाषाण काल युग के प्रमुख स्थल पाए गए हैं। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिर्जापुर में सोनभद्र, पहाड़, लिखिया, बगही खोर, इलाहाबाद, मेजा, फूलपुर, केराओं, करछना और प्रतापगढ़ सराय नहर दमदमा से प्राप्त हुए हैं। सराय का नहर प्रतापगढ़ से पंद्रह सराय सराय का नहर के प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ का सराय का नहर एक छोटा सा कस्बा जहाँ से 1500 यानी मृतक प्राप्त हुए थे, जिनमें से मृतक का शरीर जो था सिर जो था सॉरी सिर जो था वो पश्चिम की ओर था। लोगों को थोड़ा इस काल के लोगों को थोड़ा बहुत कृषि एवं पशुपालन तथा मृतकों की अंत्येष्टि की आग पर भोजन पकाने की से परिचित थे। मध्य पाषाण काल के लोगों को थोड़ा बहुत कृषि का ज्ञान था, पशुपालन का ज्ञान था, और जो लोग मृत यानी मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनको अग्नि कैसे देते हैं और क्या उनके अग्नि देने के बाद क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों से ये लोग थोड़ा बहुत परिचित हो चुके थे। ये देखिए कि कैसे क्या इन लोगों को इसमें दिखाया गया है। अब देखते हैं फिर नवपाषाण काल युग क्या होता था। कि तो नवपाषाण कालीन सभ्यता के साथ इलाहाबाद के बेलन घाटी से स्थित पंचोहा जो प्रतापगढ़ में पड़ता तथा सोनभद्र जिला से प्राप्त हुए थे। इस काल में मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में तथा उस पर चित्रकारी और पॉलिश करने में एवं घर मकान बनाने में, आवास एवं जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने का आदि की क्रियाओं से ये लोग बहुत ही परिचित हो चुके थे, काफ़ी कुछ जानकारी बढ़ चुकी थी नवपाषाण युग में। अब थोड़ा सी नज़र डालते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में तीन प्रकार के होते थे कि ताम्रपाषाण काल जो होता था, तो आप देखते हैं ताम्रपाषाण काल में क्या होता। ताम्रपाषाण काल में धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है। इस काल में मानव से सबसे ज़्यादा तांबे के पश्चात कहाँ तथा अंत में सबसे पहले जो प्रयोग किया था मानव ने ताम्रपाषाण काल में तांबे का, इसके बाद उन्होंने कांसा का प्रयोग किया, फिर अंत में लोहे का प्रयोग किया था। ताम्रपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले हैं वो मेरठ और सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए थे। यहाँ से मिले हुए से यह पता लगाया जा सकता है कि संस्कृति को 1500 से 1700 ईसा पूर्व बताया, यहाँ की संस्कृति को देख के पता लगाया जा सकता है कि 1500 से 1700 ईसा पूर्व
बताया जाता है। ऊपरी गंगा घाटी से बना का दोआब क्षेत्र में स्थलों को मृद्भांड जैसे अनेक तमिल नदियां प्राप्त हुई हैं। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती थी। अब इस नगरीय सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, सिंधवा प्रांत में तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलते जुलते हैं। अब देखिए, सिंधवा सभ्यता क्या होता है? फिर लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में सिंधु सभ्यता का अस्तित्व था, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पूर्व की सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है। यानी कि जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में जो सिंधु सभ्यता का अस्तित्व था, शब्द किए गए थे, तो एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता थी, उस पूर्व सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता था। इस सभ्यता में के अवशेष अब तक पाकिस्तान और भारत के पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात और जम्मू कश्मीर के भाग से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधव कालीन लोग कपास की खेती करते थे। इस सैंधव सभ्यता में जो आलमगीर के उत्तर सैंधव कालीन लोग कपास की खेती करते थे और ये लोग गांव में निवास करते थे। ये लोग शहर से नहीं वाकिफ थे और ये लोग गांव में निवास करते थे। सभ्यता के साथ बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा तथा मुजफ्फरनगर के मांडी गाँव में एवं मांडी गाँव के मांडी गाँव एवं कैराना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो अब अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो एक ऐतिहासिक काल होगा, जो लौ युगीन संस्कृत पे बताएंगे हम उसके बारे में क्या क्या होता था। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोगों से एक पुनः विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और आप लोगों को कुछ भी चीज़, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए हो, आप कमेंट में बताते रहिए, हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।